Once again, this is Lakshmi here. Welcome to English class. So, in our previous video, we read page number 17 and 18 of lesson number 2. Little Spider's First Web. जिसमें हमने जाना था कि जो बिग स्पाइडर है, ठीक है, वो एक लिटिल स्पाइडर को देखती है जो अपना फर्स्ट वेब जो है वो स्पिन कर रही थी, पहला वेब बना रही थी, कौन? लिटिल स्पाइडर. और फिर बिग स्पाइडर जो है उसको देखकर क्या करने लगती है? स्विंग करने लगती है. और जब वो स्विंग कर रही होती है तो उसको एक फ्लाई जो है वो देखती है और फ्लाई उससे उसका स्विंग करने का रीजन पूछती है. तो वो बताती है क्योंकि लिटिल स्पाइडर जो है वो अपना फर्स्ट वेब स्पिन कर रही है, इसीलिए मैं स्विंग कर रही हूँ. और इस पर फ्लाई क्या कहती है कि मैं बस करूंगी, फिर तो मैं बस करूंगी. और बस मींस यस, फ्लाई का जो भिन भिनाने की जो साउंड है दैट इज बस. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे इससे आगे. ओके, सो नाउ लुक एट द बोर्ड. दिस इज पेज नंबर 19. ओके, अ बी हर्ड द फ्लाई बस. A bee. Bee means madhu makhi. Heard. Heard means suna. The fly buzz. Yani ab ek bee ne fly ki jo buzz sound hai usko suna. Okay. Then bee said, bee ne kaha, why do you buzz little fly? Why do you buzz little fly? जब little fly को buzz करते हुए बी ने सुना, मधुमक्खी ने सुना, तो बी ने कहा कि why do you fly? Okay, sorry, why do you buzz little fly? कि little fly तुम buzz क्यों करते हो? यानी कि तुम buzz की जो sound है भिन बिना रही हो, ऐसे वो क्यों कर रही हो? Then fly said, तो fly ने कहा, I buzz because little spider is spinning her first web. तो उन्होंने बताया कि मैं buzz कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि little spider is spinning her first web. क्योंकि जो छोटी spider है वो अपना first web spin कर रही है. तो वो अपनी खुशी जो है वो व्यक्त कर रही है जो fly है, किस तरह से? buzz sound के साथ. Then बी सैड, बी ने कहा, देन आई विल हम एंड हम. तो जिस तरह से ये फ्लाई बज साउंड कर रही है, ऐसे ही जो बी की साउंड है दैट इज HUM, हम. ओके, तो फ्लाई जब बिन बिन आती है उस साउंड को हम क्या कह रहे हैं? BUZZ, बज. ओके, ऐसे ही जो बी है, मधुमक्खी है, उसके बिन बिन आने को हम क्या कहते हैं? HUM, हम. ओके, तो बी कहती है कि मैं क्या करूंगी? आई विल हम. ओके, नाउ लुक हियर. एंड हर्ड द बी हम. अब जब बी ने हम स्टार्ट किया, हम यानी कि यस भिन भिन आ, जब बी ने भिन भिन आना स्टार्ट किया तो उसके साउंड को किसने सुना? एन एंट हर्ड, एक एंट ने सुना. ओके, देन एंट सेड, फिर एंट ने कहा, व्हाई डू यू हम लिटिल बी? व्हाई डू यू हम लिटिल बी? लिटिल बी, स्मॉल बी, तुम हम क्यों करती हो? यानी कि क्यों भिन भिन आती हो, क्यों भिन भिन आ रही हो? ठीक है, देन बी सैड, तो बी ने कहा, आई हम, मैं भिन भिन आती हूं, मैं हम करती हूं, बिकॉज लिटिल स्पाइडर इज स्पिनिंग हर फर्स्ट वेव. क्योंकि जो छोटी स्पाइडर है वो अपना फर्स्ट वेव बना रही है. देन एंड सैड, एंड ने कहा, देन आई विल रन अराउंड. तो एंड ने कहा, क्या कहा? देन I will run around. Okay. तो यहाँ पर फिर हमें एंट बता रही है कि वो क्या करने को कह रही है, कि फिर मैं भी अपनी इस तरह से जो है घूमूंगी.
ओके, सब वही कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं, ठीक है? तो सब अपने अपने एक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंड भी कहते हैं, देन आई विल रन अराउंड, आई विल रन अराउंड. अ बर्ड सॉ, इज इट अब टू सॉ, सॉ मींस देखा. द एंड रन अराउंड, अ बर्ड सॉ, देन एक पक्षी ने, एक बर्ड ने देखा, किसको देखा? द एंट, एंट को क्या करते हुए देखा? रन अराउंड, रन अराउंड. ओके, तो अ बर्ड सॉ द एंट रन अराउंड, फिर एक बर्ड ने एंट को इधर उधर दौड़ते हुए देखा. देन बर्ड से, बर्ड ने कहा, व्हाई डू यू रन अराउंड, तुम इधर उधर क्यों दौड़ती हो? ओके, then ant said, I run around because little spider is spinning her first web. I think ये वाली लाइन तो आपको अब तक लर्न भी हो गई होगी कि little spider is spinning her first web. क्योंकि यहाँ पर जितने भी animals, creatures जो भी यहाँ पर बताए गए हैं इस lesson में, story में, वो सभी क्या कर रहे हैं? वो अपनी खुशी जो है वो व्यक्त कर रहे हैं अपने अपने उन actions को करके जो कि वो कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर एंट ने कहा कि आई रन अराउंड बिकॉज लिटिल स्पाइडर इज स्पिनिंग हर फर्स्ट वेब. देन बर्ड सेड, बर्ड ने कहा, देन आई विल सिंग, आई विल मेक द चिल्ड्रन हैप्पी. देन आई विल सिंग, यानी कि सिंग मीन्स गाना गाना. So, I will sing मतलब मैं गाना गाऊंगा, यानी कि आपने देखा होगा जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं, बर्ड्स की साउंड क्या है? CHIRP, चर्प ना. तो बर्ड्स जो है वो चहचहाते हैं, गाना गाते हैं ना. बर्ड्स की जो वॉइस है, जो साउंड है, जो बहुत ही मतलब सुंदर जो है वो लगती है सुनने में, बहुत ही अच्छी लगती है, मेलोडियस, ठीक है? देन बर्ड सेड, देन आई विल सिंग, तो फिर मैं गाना गाऊंगा. आई विल make the children happy, मैं बच्चों को happy करूंगा, यानी कि खुश करूंगा. तो यहाँ पर जितने भी जैसे birds हैं, ant है, fly है, bee है, ये सभी क्या कर रहे हैं? अपनी खुशी को किस तरह से जाहिर कर रहे हैं, किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं अपनी खुशी को? yes, वो action करके जो ये कर सकते हैं. तो इसी तरह से bird ने कहा कि I will sing, मैं गाना गाऊंगा, क्योंकि bird जो है वो sing कर सकता है, गाना गा सकता है. okay, तो इस तरह से सभी अपनी अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि लिटिल स्पाइडर इज स्पिनिंग हर फर्स्ट वेब. सो आई थिंक टुडेस टॉपिक इज क्लियर टू यू. ओके, इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. बट बिफोर फिनिशिंग दिस चैप्टर, आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस, एंड आई होप यू विल बी एबल टू आंसर माय क्वेश्चंस. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिगेन टू run around, who began to run around? Yes, an ant began to run around. Very good. So my next question is, who heard the bee hum? Who heard the bee hum? Yes, an ant heard the bee hum. Very good. So I hope today's topic is clear to you. In our next video, we will complete the reading of this chapter. Today, you have to read page number 19 from your book. For any doubt, any query, you can ask me anytime. So, thanks for joining us. Bye-bye, students.